नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम लोग CCL प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। तो हम देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स कैसे रहे और चार्ट के माध्यम से भी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद सजेशंस देते हैं और डेली हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और हमारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस भी करिएगा और अपने एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये CCL प्रोडक्ट्स के रिजल्ट साइट थे 3:27 पे, तो ये डायरेक्ट मैंने BSE की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। तो आइए दोस्तों अब हम इनके और इनके साथ रिजल्ट्स पढ़ते हैं हम और आप साथ में मिलके। तो दोस्तों अगर मैं इनके रिजल्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एंगल गड़बड़ कर रखा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा इनके, आप यहाँ पे देखिएगा, ओवरऑल रेवेन्यूज की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए अच्छी इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है। सारे फिगर्स लैक्स में है, तो 18,000 लैक्स से बढ़ के 18,000 लैक्स से बढ़ के इनका रेवेन्यू बढ़ गया है 26,000 लैक्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट्स में देख रहा हूँ कि हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट्स की मैं अगर लेकिन बात करूं दोस्तों तो उसमें कोई खास हमें चेंज नहीं दिखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट्स में उतना कोई चेंज आया नहीं है कंपनी के। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2177 लाख से कम होके प्रॉफिट बल्कि इनकी कम हो गई है 1631 लाख पे। तो रेवेन्यू आपका बढ़ गया है और प्रॉफिट कम हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ है कि काफी अच्छी खासी जंप हुई है। तो इसका मैं मान के चल रहा हूं दोस्तों कि शेयर प्राइस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। रेवेन्यू वाइज सही है, प्रॉफिट कम हो गई है, इसका मतलब कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं जो इनके पहले हुआ करते थे। तो आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं एक बार चार्ट पे। तो चार्ट पे देखिए दोस्तों स्टॉक अपने एकदम ब्रेकआउट लेवल के पास है, 440 रुपए के ऊपर स्टॉक का ब्रेकआउट है। तो आप अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं तो 410 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा, 410 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 480 के टारगेट्स को हम एम करके चलेंगे। रिजल्ट्स के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरा मानना है आप इसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स पर्सनली मुझे लग नहीं रहे हैं। रेवेन्यू जरूर बढ़ा है बट प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, आपको काफी फायदा होगा। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।